अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कैंसर भगाओ में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के चेयरमैन मिस्टर प्रफुल्ल कुमार, और आइए उनसे जानते हैं। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च जो जागरूकता अभियान कर रही है, उसमें क्या कुछ वो हम कर रहे हैं और क्या उसका मकसद है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने शिवांगी जी। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के लिए हम लोग मुख्य रूप से एक तो कैंसर के कारक तत्व जो हैं उसके लिए कार्य कर रहे हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा देता है, जैसे तंबाकू, लाइफस्टाइल, सही खान पान, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई तंबाकू 40% कैंसर के कारक तत्व में आता है। हिंदुस्तान में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ओरल कैंसर का 40% विश्व में जितने भी कैंसर्स हैं उसमें 40% कैंसर हिंदुस्तान में ओरल कैंसर के हैं, और ये मुख्य रूप से तंबाकू के कारण है। अगर हम अपने लोगों को ये कहने में कन्विंस कर दें कि भाई तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे वो गुटखी के रूप में, चाहे तंबाकू के रूप में या सिगरेट के रूप में आप ना करें, तो हम हिंदुस्तान में होने वाले 40% कैंसर पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये पहली बात है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे इलाके में, जैसे बिहार के सहरसा, मधेपुरा, ये दरभंगा, मधुबनी, ये वो शहर हैं जिस शहर में तंबाकू की खेती होती है। हमारे स्कूल्स में घर घर जाकर कैंपेन का ये असर हुआ कि हम लोगों ने लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि प्लीज़ तंबाकू का किसी भी रूप में आप उत्पादन बंद कर दें। और अगर तंबाकू का उत्पादन बंद करते हैं अपने इलाके में, तो आप यकीन माने आप कैंसर जैसी जो बीमारी है उसके खिलाफ जो हमारा जंग है उसमें हमारी कामयाबी होगी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा शिवांगी जी, और हम अपने दर्शकों के लिए भी बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में, जो हमारा 2018 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 60% खेतों में तंबाकू का उत्पादन बंद हो गया। तो सबसे पहले तो हम तंबाकू के खिलाफ हैं, भारत सरकार से भी, अन्य सरकार से भी, और राज्य सरकार, अन्य सरकार से मेरा मतलब राज्य सरकार से है, और हर लेवल पे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि तंबाकू का उत्पादन को बंद किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, हम लोगों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में बच्चों को लिया, वो बच्चे जो 6th में पढ़ते हैं, वो बच्चे जो 7th में पढ़ते हैं, वो बच्चे जो 8th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, अपने बच्चों को हम एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा देख, तेरे पापा अगर तंबाकू का सेवन करते हैं गुटखे के रूप में, सिगरेट के रूप में, या खैनी के रूप में, किसी भी रूप में, यकीन मानो आने वाले दिनों में तुम्हारे पापा नहीं होंगे, क्योंकि कैंसर जैसी घातक बीमारी उनको होगी और तुम पापा विहीन होगे। और बच्चे इस बात को समझ लेते हैं, और जब वो समझते हैं तो वो अपनी मम्मी के सामने जाकर, अपने पापा के सामने जाकर इस बात को कहते हैं। सेकेंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हिंदुस्तान में जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भले ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप वर्ल्ड से तुलना करें, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज से अगर तुलना करें, तो प्रतिशत की मात्रा में हमारे यहाँ आज भी कैंसर के पेशेंट्स कम हैं। अगर हमारी आबादी की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, तो अमेरिका में ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं, हिंदुस्तान में कम कैंसर के पेशेंट्स हैं। लेकिन अगर मरने वाले की तादाद के रूप में आप तुलना करें, तो हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, अमेरिका में कम है। आखिर क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट्स का जो डिटेक्शन होता है वो 4th स्टेज में होता है। 4th स्टेज में कैंसर का जो सर्वाइवर्स रेट है,
वो बहुत कम है, 20%, 15%, और वो भी 15% या 20% जब हम शब्द यूज करते हैं तो सर्वाइवर्स के लिए 5 साल का समय रखते हैं। मीन्स ये पेशेंट 5 साल जिंदा रहेगा, 5 साल जिंदा रहेगा, और हम इसे 15% 20% में कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम डॉक्टर्स के पास आमतौर पर कैंसर की बीमारी के चौथे स्टेज में पहुंचते हैं, वो स्टेज जब कैंसर के पेशेंट्स को बचाने के लिए बहुत कम चीज बच पाता है। किसी भी देश में अगर चौथे स्टेज के पेशेंट्स को बचाया जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम कैंसर के प्रति जागरूक नहीं है। हमारी माता, हमारी बहनें, जो भी हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अब ब्रेस्ट कैंसर के अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% रिकवरी रेट है, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा, माता बहनों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि बीमारी होने के बाद वो सबसे पहले इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने पति से, अपने परिवार से, घर के अन्य लोगों से, और जब ये बीमारी काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है तब वो इस बात को बताती हैं कि नहीं, ये गांठ है, ये गांठ हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है, पहले ये दर्द नहीं करता था, अब ये दर्द करता है। और जब वो दर्द करना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो वास्तव में वो ब्रेस्ट कैंसर का चौथा स्टेज होता है। और चौथा स्टेज मतलब आप समझते हैं, चौथा स्टेज मतलब ये होता है कि बीमारी न सिर्फ अपने लोकलाइज्ड एरिया में है बल्कि अन्य भागों में भी फैल चुका है। अन्य भाग मतलब आपके लंग में, आपकी किडनी में, आपकी पेनक्रियास में। और जब बीमारी इस तरीके से फैल जाता है तो हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड का कोई भी डॉक्टर्स आपको बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले तो आपको 2-4 साल यही दे सकता है। तो यह आपके हाथ में है कि आप इस बीमारी से कैसे बचें। कैसे बचें? आप आईने के सामने खड़े हों, मिरर के सामने खड़े हों और अपने शरीर का परीक्षण करें, अपने शरीर को गौर से देखें कि क्या इस शरीर में कोई परिवर्तन आ रहा है, किसी भी रूप में, आपके स्तन में किसी भी तरह का परिवर्तन, क्या इसे नया पानी का रिसाव हो रहा है, कोई गांठ है, कुछ भी है। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है जो असामान्य है, जो पहले नहीं होता था आज है, तो प्लीज आप अपने हस्बैंड से बात करें, अपनी सास माँ से बात करें और डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर्स को बोलें कि डॉक्टर, दिस इज द न्यू थिंग्स आई एम ऑब्जर्विंग इन माई सिस्टम। और डॉक्टर्स बड़ी आसानी से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। और यकीन माने अर्ली स्टेज में इस डिटेक्शन से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल इस बीमारी से निजात पा लेंगे। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सावधानी की। वही हाल ओरल कैंसर में है। ओरल कैंसर में मैक्सिमम केसेस क्या होते हैं? आप तंबाकू का सेवन करते हैं, आप सिगरेट का सेवन करते हैं, आप इस तरह के अन्य पदार्थों का सेवन करते हैं, आपके मुंह में छाला होता है, आपके मुंह में पहले व्हाइट पैचेज आते हैं, कितने केसेस में रेड पैचेज आते हैं, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं देते हैं, आप फिर भी सेवन करते रहते हैं। फिर एक आपके जख्म होते हैं, घाव होते हैं, वो घाव सस्टेन करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट, 10 दिन भी जाते हैं, 20 दिन बाद भी जाते हैं, 21 दिन भी जाते हैं, महीने भी जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप बायोप्सी कराओ, आपको लगता है बायोप्सी ये क्या है, बायोप्सी डॉक्टर ने ऐसे ही कह दिया। नहीं, प्लीज प्लीज एंड प्लीज, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप सिगरेट का सेवन करते हैं, अगर आप गुटकी का सेवन करते हैं, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, तो प्लीज आप इसके लिए कॉन्शियस रहें। अगर कोई भी अपने मुख के अंदर बदलाव महसूस करते हैं, अपने पैचेस को महसूस करते हैं, व्हाइट पैचेस, रेड पैचेस या कोई जख्म, तो विलंब ना करें, प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर बायोप्सी की जरूरत है तो बायोप्सी कराएं ताकि पता लग जाए कि कैंसर है या कैंसर नहीं है। बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसी भी बहुत सारी, क्योंकि हम लोग कैंप लगाते हैं, अलग अलग इलाकों में लगाते हैं, तो हमें ये मौका मिलता है सुनने का बहुत सारे लोगों से कि कैंसर कैंप में अगर जाएंगे तो कहीं कैंसर ना हो जाए। नहीं, कैंसर कैंप में जाने से कैंसर नहीं होता है, कैंसर तब होता है जब हम कैंसर को छिपाते हैं। अगर उसको सही समय पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो कैंसर पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च इस मिशन का नाम है।
क्योंकि हमने इसे स्वतः भोगा है। मेरी पत्नी को जब मुख में छाले पड़े जीभ के ऊपर, तो हमने उसे टॉप लेवल जो ENT के डॉक्टर्स हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे दिखाया। मेरी बेगम किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन या किसी भी तरह की सेवन नहीं करती थी। तो मैं जब उन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता था कि डॉक्टर प्लीज़ आप इसका बायोप्सी करें, तो डॉक्टर मुझसे कहते थे कि पेशेंट को पेशेंस चाहिए। और हमने पेशेंस रखा। जब डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर कुब्बा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जब उन्होंने कहा कि पेशेंस चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ शायद मैं इंपेशेंट हो रहा हूँ। और मैंने पेशेंस रखा और रिजल्ट में ये निकला कि जब हम फाइनली इस बात को जान पाए कि मेरी बेगम को कैंसर है, तो इट वॉज 4th stage कैंसर। हालांकि मैं डॉक्टर से पहले से रिक्वेस्ट करता था, तो प्लीज़ आप डॉक्टर्स की बात पर भी विश्वास न करें। जब भी कोई ऐसा जख्म हो जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन में ठीक नहीं हो, तो आप उसका बायोप्सी कराएं, डॉक्टर्स को कंपेल करें। डॉक्टर्स भगवान नहीं। जिस दिन भारत की जनता इस बात को मान लेगी कि डॉक्टर्स भगवान नहीं है, डॉक्टर भी एक इंसान है, वो भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से चलती है, एक पर्टिकुलर मेंटेलिटी के हिसाब से चलती है, तो हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा और डॉक्टर्स का भी कल्याण होगा। क्योंकि जब आप किसी को भगवान मान लेते हैं, तो दायित्व तो बड़ी बढ़ जाती है। हमें दायित्व तो बढ़ाना नहीं है, हमें प्रैक्टिकल लेवल पर काम करना है। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है कि जागरूक हों, सतर्क हों, और जब भी चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो, चाहे वो ओरल कैंसर की बात हो, या शरीर के किसी भी अन्य अंगों में ऐसी विषमताएँ नजर आएँ जो आपके साथ पहले नहीं जुड़ी थी, तो आप सतर्क हो जाएँ और कंसर्न डॉक्टर से संपर्क करें। फिर भी आपको दिक्कत हो, तो समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च को लेटर लिखें, कॉल करें, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आते रहते हैं, और कॉल करें कि हमारी ये समस्या है, मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। प्रफुल्ल जी, आपने बात की समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के जागरूकता अभियान के बारे में, और आपने ये भी बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जागरूक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सतर्क रहें अपने शरीर में पनप रही बीमारियों के बारे में, और उसको जल्द से जल्द उसका इलाज कराएं और उससे निजात पाएं। अच्छा, आपने सर कैंसर भगाओ कार्यक्रम भी आपने शुरू किया, इसके पीछे सर क्या उद्देश्य रहा? आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरी बेगम समिता मिश्रा, उनके टंग पे एक छोटा सा अल्सर हुआ और हम लोगों ने डॉक्टर से संपर्क किया, ENTs के डॉक्टर से, स्किन डिजीज के डॉक्टर से, सबों से संपर्क किया। और चूंकि समिता किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन नहीं करती थी, तो आम तौर पे डॉक्टर्स ने ये कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक स्किन डिजीज है और ठीक हो जाएगा। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कृपया करके डॉक्टर्स की इन बातों से आप कैरिड अवे ना हों। जब भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि स्किन डिजीज है, डॉक्टर्स कोई भगवान नहीं होते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के डॉक्टर BSL यादव मेरे प्रिय मित्र हैं, उन्होंने कहा हमें कि प्रफुल्ल, जिस दिन भारत की जनता डॉक्टर्स को भगवान मानना छोड़ देगी, उस दिन भारत का कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर्स को भगवान मत मानो, डॉक्टर्स इज एज गुड एज वी आर। हम लोग जिस तरह से हैं, डॉक्टर्स भी उसी तरीके से हैं। हाँ, उसे इस सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी है। तो जब मैं डॉक्टर से मुलाकात करता था अपने बेगम की समस्या को लेकर, तो आम तौर पर डॉक्टर्स ये कहते थे कि प्रफुल्ल जी, घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक तरह की अल्सर है, ठीक हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम है। और आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि डॉक्टर कुब्बा, जो दिल्ली महानगर के मोतीबाग स्थित बड़े ही पॉश इलाके में रहते हैं, और ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट, रिनाउंड जब मैं कहता हूँ, तो मैंने बहुत सारे स्किन के डॉक्टर से बात की और उन लोगों ने कहा कि वो तो भीष्म पितामह हैं। और जब उस भीष्म पितामह को मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये 2-3 महीना डिले हो गया है, आप इसे प्लीज़ बायोप्सी करा दें, ताकि अगर कोई भी ऐसी बात हो तो हमें पता तो कम से कम चल जाए कि ये कैंसर है या नहीं है, ये एक मैलिग्नेंट घाव है या नॉन मैलिग्नेंट है। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि प्रफुल्ल जी, पेशेंट को पेशेंस होना चाहिए, और वो पेशेंस हमारे लिए बहुत घातक पड़ा, बहुत घातक पड़ा मेरे लिए। आज भी उस घातकता, उस प्रहार का
अनुभव मैं कर रहा हूँ, हर घड़ी करता हूँ। दो बेटियों का बाप हूँ और उस हैसियत से हर घड़ी हमें उसे जूझना पड़ता है, क्योंकि जब फाइनली 2 महीने के बाद हमने बायोप्सी मैक्स हॉस्पिटल में कराया तो पाया गया कि वो एक कैंसर है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिल्ली के स्थित टॉप लेवल्स ऑन्को सर्जन जितने भी हैं, उन लोगों ने हमें कहा कि प्रफुल्ल, अगर ये चीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता, जब ये घाव हुआ, जब ये अल्सर हुआ, तो यकीन मानो ये बहुत आसान होता, छोटा सा ऑपरेशन होता, शायद रेडिएशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कीमो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, मेरी बेगम की इच्छा थी, मरते वक्त उसने मुझसे कहा था कि प्रफुल्ल, जो समस्याएं हमें हुई, हमारी या तुम्हारी जागरूकता की कमी के कारण मेरी जान जा रही है, तो किसी और की ना जाए, उनको एजुकेट करो, उनको बताओ कि कोई भी अल्सर, कोई भी घाव अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में 15 दिन से ज़्यादा हो तो आप प्लीज उसका बायोप्सी कराएं कि घाव का कारण क्या है, और अर्ली स्टेज में अगर ये पता चल जाए कि ये किस कारण से है, तो यकीन मानिए ये आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरी बेगम साहिबा की तरह अगर आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आपको कहे कि पेशेंट को पेशेंस चाहिए और आपने पेशेंस रख लिया, तो यकीन मानिए 4th स्टेज में कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इलाज है अभी तो 15-20% सर्वाइवर्स रेट, और वो 15-20% मीन्स 5 ईयर्स। अब आपको तय करना है कि आपने क्या करना है। बीमारी को छिपाना नहीं है, बीमारी को बताना है, लोगों को बताना है, जागरूक करना है। आप खाना खाते हैं, खाने खाने में कोई दिक्कत होती है, पानी पीते हैं, पानी पीने में कोई दिक्कत होती है, ज़रूरी नहीं कि वो अल्सर बिल्कुल एक्सपोज्ड हो, आपको नज़र आए कि वो एक अल्सर है। अल्सर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं। आपका मोशन इररेगुलर है, आपका मोशन ऐसा हो रहा है कि 10 दिन तक बिल्कुल लूज मोशंस के आप शिकार हैं और 10 दिन तक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, और ये प्रोसेस चल रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ये कैंसर हो सकता है, आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर आपके खाने में लगातार प्रॉब्लम हो रही है, आपको फील हो रहा है कि हमें गले के नीचे दर्द हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक खांसी हो रही है हमें जो रुक नहीं रही है, आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आपको डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कैंसर हो सकता है। तो मैं सिर्फ समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के माध्यम से आम आदमियों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि भैया, डॉक्टर्स देवता नहीं है, डॉक्टर्स भगवान नहीं है, डॉक्टर्स भी हम लोगों की तरह हैं, आप लोगों की तरह हैं, सारे आम इंसान हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिससे वो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ नाकामयाब ना हो, आप अपनी बीमारी के प्रति सचेत रहें, आप जानने की कोशिश करें कि आपको क्या हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। अगर कोई नहीं जान सकता तो आप क्यों नहीं सचेत होते हैं? सचेत हों, जाने, आप हों या बेगम हों या आप हों, पुरुष हों या स्त्री हों, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में गांठ नज़र आ रही है, हल्की सी दर्द महसूस हो रही है, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, अपने पति को बोलें कि एक नया डेवलपमेंट है, इससे हिचके नहीं। जो हिच है, जो आपके अंदर एक रुकावट है, वही आपकी बीमारी का कारण है, उसको ख़त्म करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने इस हिच के कारण, इस रुख के कारण अपनी पत्नी को गंवाया है और जिंदगी के एक हिस्से को गंवाया है, प्लीज आप ऐसा ना करें। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के चेयरमैन
मिस्टर प्रफुल मिश्रा जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। प्रफुल सर, दुख तो वाकई में हुआ जिस तरह से आपने अपनी पत्नी को खोया है, और मैं उसे गलती नहीं कहूँगी, भूल कहूँगी, जो आमतौर पर हम में से हमारे जैसे कई लोग कर देते हैं। लेकिन सर ने उसको सबक लिया और उस सबक से वो हम सबको एक सीख दे रहे हैं, और यही बात बोल रहे हैं कि जागरूक रहें। आपके शरीर में कोई भी ऐसा बदलाव आ रहा है, कोई भी ऐसी बीमारी आपको हो रही है जो इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दें, और आपके डॉक्टर्स जो कह रहे हैं एक बार को उनसे भी उनसे सलाह मशवरा करें, उनको भी कहें बायोप्सी के लिए बोलें, जिससे कि पता चले कि कहीं वो बीमारी कैंसर तो नहीं है। क्योंकि सर ने जैसा कि बताया था प्रफुल्ल सर ने कि अर्ली स्टेज पर अगर डिटेक्ट हो जाता है तो इलाज संभव है, वरना पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो सर की जो उद्देश्य है यही कि हमारा देश कैंसर से मुक्त बने, उसमें वो तभी सफल हो पाएंगे जब हम सब उसमें उनका साथ देंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में, और एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय पर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। एक रुपए का सिक्का, बड़ा अजीब है ये सिक्का। जिंदगी में एक रुपए की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ी कीमत ले सकता है ये एक रुपया आपसे। ये एक रुपया हजारों जाने ले सकता है, लाखों जाने ले रहा है। इस एक रुपए के सिक्के से मौत मत खरीदिए, इस एक रुपए के सिक्के से जिंदगी खरीदिए, इस सिक्के से हमें जीवन बचाना है। कैंसर भगाइए। कैंसर भगाओ के इस अभियान में आप भी सहयोगी बन सकते हैं। आपका एक छोटा सा डोनेशन किसी भी कैंसर पीड़ित के लिए जीवन दायिनी बन सकता है। अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा बैंक डिटेल्स है। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, B1/32, ग्राउंड फ्लोर, जनकपुरी। हमारा अकाउंट नंबर है 6232393206। हमारा IFSC कोड है SBIN00212 75। अगर आपको इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9891189030। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cancerbhagao@gmail.com। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की इस मुहिम से जुड़िए। स्वच्छता फैलाओ, कैंसर भगाओ। स्वच्छ भारत, सुखी भारत, स्वस्थ भारत। समिता मिश्रा फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। तंबाकू छोड़िए, जीवन से नाता जोड़िए। पत्रकार पोपटल, आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि बाकी सारी चीजें कैंसिल कीजिए, जागरूकता फैलाइए और कैंसर को भगाइए। कैंसर से कैसे लड़ा जा सकता है, उसको कैसे हराना आसान हो गया है, ये सारी जानकारियों के लिए मैं समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन, श्री प्रफुल्ल कुमार जो चेयरमैन हैं, उनको थैंक्स करता हूं, और आशा करता हूं ऐसे कार्यक्रम और भी हों ताकि लोग पहले तो कैंसर हो ना ऐसी परिस्थिति में रहें, और अगर हो गया तो डरिए मत, क्योंकि उसका इलाज है। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च जो काम कर रहा है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। रोगियों को ज्ञान सारा चाहिए, डॉक्टरों व्यवहार प्यारा चाहिए। वे अकेले क्यों लड़ें निज रोग से, सभी का उनको सहारा चाहिए। कैंसर भगाओ, देश बचाओ, विश्व बचाओ। तो कैंसर जैसे बीमारियों से, असाध बीमारी से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उसके लिए पीपुल्स अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता और पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता, और मैंने कहा आचार विचार व्यवहार खान पान ये भी हमारे लिए आवश्यक है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जैसे कहा जाता है तंबाकू गुटखा से होगा ही, लेकिन बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, और शरीर के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। मुझे अक्सर कहा जाता है ओ आप अपने आप को फिट रखें क्योंकि आप एक्टर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी हो, अगर आप बीमार हैं तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा सकते हैं।
आज डॉक्टर इतने सक्षम हैं कि वो कैंसर से लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके एग्जांपल्स चाहे युवराज हों, चाहे अनुराग एक हमारे डायरेक्टर हैं बासु वो हों। देखिए प्रफुल्ल मिश्रा जी जो अभियान चला रहे हैं, इस अभियान के लिए हमारी तरफ से उनको पूरा सहयोग है और हम चाहेंगे ये अभियान आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तम्बाकू को छोड़ें। ये मैं प्रफुल्ल जी को बहुत ही आभारी हूँ उनका, जो उन्होंने ये संस्था शुरू की है स्मिता मेमोरियल, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो काम सरकार नहीं कर पाई या बड़े बड़े संस्थान नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिखाया, और ये और सब जगह फैलाएं ये काम और सब लोग इसमें जुड़ जाएं कि जिससे हमारे देश खुशहाल हो।